आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़न सेलर अपने जो बैंक अकाउंट है आपके अमेज़न सेलर अकाउंट से लिंक, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने अमेज़न सेलर का डैशबोर्ड जो है ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ सेटिंग्स वाले साइन पर आएंगे और यहाँ अकाउंट इन्फो पर क्लिक करेंगे। अब अकाउंट इन्फो के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको क्लिक करना है डिपॉजिट मेथड्स पे। जब डिपॉजिट मेथड्स पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से आपका जो अभी अभी का बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर और मतलब एंडिंग बैंक अकाउंट नंबर की और बैंक अकाउंट होल्डर नेम। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ दबाएंगे रिप्लेस डिपॉजिट मेथड। अब ये आपका जो अमेज़ॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ये उस पर एक मैसेज भेजेंगे। तो उस मैसेज में आपको क्या करना है, एक लिंक दिया होगा आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, और कंटिन्यू दबा देंगे लिंक पे क्लिक करके। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वो मैं आपको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से दिखा नहीं पा रहा। वो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे मैसेज में तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अप्रूव और डिनाई का। तो आपको अप्रूव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ अपने फ़ोन पे अप्रूव दबाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपको आगे प्रोसेस करके करने देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा पेज खुल गया आगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड, ठीक है। तो आप यहाँ ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड पे क्लिक कर लेंगे और जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो भर लेंगे। ऐसे बैंक की लोकेशन क्या है, मैं इंडिया डालूंगा। अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे, अकाउंट टाइप चुनेंगे, सेविंग्स है, ओवरड्राफ्ट है कि करंट है चुन लेंगे, अपने बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा डालेंगे अपने बैंक अकाउंट नंबर, डू यू हैव IFSC तो दबाएंगे येस ऑफ कोर्स, और अपना IFSC कोड डाल के वेरीफाई दबा देंगे। और जैसे ही सारी डिटेल्स डाल देंगे इसके बाद दबा देंगे सेट डिपॉजिट मेथड। तो आपका जो नया बैंक अकाउंट है इसमें लिंक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।